दोस्तों एम्फेसिस ने इंटरनेशनल नॉन वॉइस प्रोसेस की जॉब ओपनिंग निकाली है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या जॉब रोल है ये, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं आपके इंटरव्यू में, और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई कर सकते हो और आपको कितनी सैलरी मिल सकती है इस जॉब रोल में। दोस्तों मैं हूं ईशान शर्मा और अगर आपको किसी भी कस्टमर और सेल्स वाली जॉब इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है तो आप एबल जॉब्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों एम्फेसिस एक आईटी कंपनी है जो कि बैंगलोर में बेस्ड है और ये बेसिकली आउटसोर्सिंग सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं दूसरी कंपनीज को। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन, आप जानते हैं कि आपका क्या जॉब रोल होगा और उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये एक इंटरनेशनल नॉन वॉइस प्रोसेस का रोल है, इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में और जो दूसरी इंडिया से बाहर वाली कंट्रीज़ में रहते हैं वो आपको कांटेक्ट कर रहे होंगे थ्रू चैट और आप उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उनको आप सॉल्व कर रहे होंगे थ्रू चैट और ईमेल भी हो सकता है, ठीक है। आपकी ये 24/7 शिफ्ट्स होगी, इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप डे शिफ्ट में काम करोगे, कभी आप नाइट शिफ्ट में काम करोगे, बट जनरली मोस्टली आपको नाइट शिफ्ट में काम करना होगा क्योंकि जो आपके कस्टमर्स होंगे, जो भी आपसे डाउट पूछ रहे होंगे, वो जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहेंगे और वहाँ पर उस टाइम पर डे होता है। तो ये बेसिक जॉब रोल था। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें आपकी लोकेशन एंड सैलरी क्या होने वाली है। तो अगेन ये एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है तो आपकी लोकेशन बैंगलोर है इस जॉब रोल की, तो अगर आप बैंगलोर में रहते हो तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो सैलरी रहेगी इस जॉब रोल में वो 1,75,000 से 2,25,000 पर एनम की हो सकती है। इसके बाद आपको अगर कहीं बाहर जाना है, कुछ ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है कंपनी, और डिपेंडिंग ऑन आपका क्या फीडबैक आ रहा है, कितनी परफॉर्मेंस है आपकी, उस पर आपको एडिशनल इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं इस पर्टिकुलर जॉब रोल में। तो अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आपको एक ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा, बट अगर आपने बीई, बीटेक, एमटेक और जो मैंने डिग्रीज लिखी हैं यहाँ से ग्रेजुएशन करा है तो आप इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। उसके बाद दोस्तों फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अभी ग्रेजुएट हुए हो तो आप डेफिनेटली इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डेटा एंट्री की, क्योंकि आपको थोड़ा सा बैक ऑफिस का भी काम दे सकते हैं ये। और दोस्तों आपको जो टाइपिंग स्पीड है वो 35-40 वर्ड्स पर मिनट अगर रहेगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्या इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब इंटरव्यू में। तो ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नंबर 1 आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखने के लिए, ताकि वो समझ पाएं कि आप ठीक से बात कर पाते हो कि नहीं। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि अपने बारे में बताइए, अपने कॉलेज के बारे में बताइए, आपने कॉलेज में क्या चीज़ सीखी, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपका पैशन क्या है, फिर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कितना रेट करते हो, ताकि उनको मालूम पड़े कि आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं। दोस्तों सेकंड टाइप के क्वेश्चन में वो जानना चाहते हैं कि आप कितने इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर जॉब रोल में, तो आपसे पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन कि आपको बीपीओ एज अ करियर क्यों परस्यू करना है। फिर आपसे पूछ सकते हैं थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन कि बताइए ऑन शोर और ऑफ शोर जो आउटसोर्सिंग होती है उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था। फिर आपसे थर्ड टाइप के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, सिचुएशन दे देंगे आपको कोई भी कि कोई भी आपका इरिटेटेड कस्टमर है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने जॉब इंटरव्यू में। चलिए अब देखते हैं कि आप इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है नौकरी। naukri.com वेबसाइट है जहाँ पर आप बहुत सारे जॉब्स देख सकते हो, जॉब प्लेटफॉर्म है बेसिकली आपको सर्च करने के लिए कोई भी जॉब। यहाँ पर सर्च करिए आप एम्फेसिस नॉन वॉइस और फिर आप सर्च पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको काफ़ी सारे जॉब्स दिखेंगी। यहाँ पर जो सबसे पहली जॉब है हायरिंग फॉर नॉन वॉइस प्रोसेस एम्फेसिस, और दोस्तों इसकी जो लोकेशन है वो बैंगलोर है। तो इस पर्टिकुलर जॉब रोल को खोलते हैं। जैसे ही मैंने खोला तो ये मेरे को एम्फेसिस का जो करियर पोर्टल है वहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये पर्टिकुलर जॉब रोल है, ये लिस्टेड है यहाँ पर। आपको अप्लाई करना है अगर तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करें रजिस्टर एंड अप्लाई। बिना रजिस्टर करे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर एंड अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे को बेसिकली एक फॉर्म आ जाएगा। मेरे को ये पूरा फॉर्म भरना है कि अपना नाम बताओ, अपना ईमेल आईडी बताओ, अपना पासवर्ड बताओ, मोबाइल नंबर, करंट लोकेशन, कहाँ पर सिचुएटेड हो आप, फिर आपका एक्सपीरियंस बता सकते हो आप, फिर अपना जो रेज्यूमे है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, जैसा इसमें लिखा है चूज़ फाइल। और इसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर एंड अप्लाई पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको रजिस्टर नहीं करना है तो आप सिंपली अप्लाई भी कर सकते हो, तो इसमें आप कुछ फील्ड्स कम हो जाएंगी जो फॉर्म है। तो इस तरह से आप इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो।
तो दोस्तों अगर आपको एम्फेसिस इंटरनेशनल नॉन वॉइस प्रोसेस का जो जॉब रोल है उसके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो आप एबल जॉब्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस ऐप को यूज़ करके जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया आपको इंटरव्यू वाले वो उनको आप प्रिपेयर कर सकते हो और अपने जॉब इंटरव्यू में एक्सेल कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।